भारत और चीन के बीच गंभीर रूप से बढ़ती लड़ाई और दुश्मनी के माहौल में दुनिया की दूसरी और पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच अलगाव की बातें की जाने लगी हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि अचानक से देश का दुश्मन नंबर एक पाकिस्तान नहीं, चीन बन गया है। और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे देश के प्रधानमंत्री, बोले तो भक्तों के बाबा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। पूर्व विदेश सचिव और चीन में भारत की राजदूत रह चुकी निरुपमा रॉ ट्वीट करके कहती हैं, गलवान घाटी में हुई हिंसा भारत और चीन के रिश्तों में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1988 में चीन के दौरे से दोनों देशों में रिश्तों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ था। लेकिन निरुपमा रॉ के अनुसार अब इस पर भी फिर से गौर करने की ज़रूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, द VPN TV।